हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब में। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब फैमिली का, एआर एजुकेशनल हब के फैमिली में। फ्रेंड्स, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर आप बोर्ड का यूज कीजिए, तो देखिए हम लोगों ने आप ही लोग के लिए यहाँ पर बोर्ड भी यूज करना शुरू कर दिया है। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट कह रहे थे सर लाइव बातें करनी है, कुछ बातें करें फ्रेंड्स, और जानते हैं आखिर आपको क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो उन स्टूडेंट के लिए भी मैंने यहाँ पर लाइव का अरेंजमेंट कर दिया है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारे अब 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। ये आप ही का फैमिली है फ्रेंड्स, एआर एजुकेशनल जो हब है ये आप ही का फैमिली है, और ये आप लोगों का विश्वास है, इसलिए आप लोग मेरे चैनल से बने रहते हो। आप लोग को कुछ सीखने को जरूर मेरे से मिलता है, तभी आप लोग यहां पर आते हो, आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और मैं आप लोग को थैंक यू बोलूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग टाइम देके मुझे देखते हो, ठीक है। क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप लोग नहीं हो तब तक मैं कुछ नहीं हूं, आप हो तो मैं हूं, ठीक है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े हो, मेरे चैनल पर बने रहते हो, उसको इसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आज हम लोग कुछ ऐसे बात करने वाले हैं फ्रेंड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए, क्योंकि हम लोग के समाज में एक फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा जो मिथ है, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में, और हमारा टॉपिक भी वही है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स वही रहेगा, और हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर क्या ये ट्रुथ इसमें क्या है और इसमें गलत क्या है, ठीक है। हम लोग जानेंगे और उसमें क्या क्या बातें होती हैं और ये क्या रीजन है, हम लोग इस पूरे वीडियो में यही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग तो हमेशा करते हो यार, एक लाइक जरूर करते हो और एक शेयर जरूर करते हो, बट मैं जो भी चैनल पे न्यू है मैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि वीडियो के एंड के बाद वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा फ्रेंड्स। और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे न्यू अपडेट नोटिफिकेशन आप तक आते रहे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हटाते हैं और हमारा टॉपिक की तरफ हम लोग आज बढ़ते हैं, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है उसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको अभी तक टॉपिक नहीं बताया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज टॉपिक अपना लिखते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है वर्जिनिटी। फ्रेंड्स, ये मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में हमारे समाज में बहुत सारे मिथ हैं। जो हमारा समाज है फ्रेंड्स, इसमें बहुत बड़ा मिथ है कि आखिर क्या वर्जिनिटी, क्या क्या उसमें कारण है। अगर गर्ल्स में देखिए, गर्ल्स में देखा जाता है ज्यादातर, गर्ल्स में वर्जिनिटी पाई जाती है, ठीक है, गर्ल्स में वर्जिनिटी पाई जाती है। और फ्रेंड्स इसी से अंदाजा लगा दिया जाता है कि आखिर गर्ल्स का कैरेक्टर क्या है। ये हमारा समाज का एक बहुत ही गलत मिथ है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग उसी में बात करने वाले हैं, आखिर जो हमारा समाज सोचता है क्या वो रियली में सही है या फिर गलत है। हम लोग इस मिथ को फ्रेंड्स आज यहाँ पर जानने वाले हैं, और आखिर ऐसा क्या है इसमें, हम लोग पूरा इसमें डेप्थ में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को जरूर पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये वर्जिनिटी होती क्या है, ठीक है। आखिर वर्जिनिटी होती क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए, मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले देखिए यहां पर एक मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। देखिए ये जो है फ्रेंड्स, आई थिंक मुझे लगता है डायग्राम थोड़ा गलत बना है, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट करके बना देता हूं आप लोगों के लिए, एक बार फिर से रिपीट करके बना देता हूं, जस्ट ए मिनट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है फ्रेंड्स एक वेजाइना है, ठीक है। ये क्या है, एक वेजाइना, ठीक है। तो देखिए ये फ्रेंड्स ये हो गया एक फीमेल वेजाइना, ठीक है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, यहां पर एक छोटी सी झिल्ली टाइप की, यानी एक छोटी सी पतली सी लेयर होती है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर 8-9 क्लास में पढ़ा है, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा ऑनियन पील। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने किया होगा, जरूर किया होगा, अगर आप लोग के टीचर ने आप लोगों को कराया होगा तो ये आपने जरूर किया होगा, जिसमें आप लोगों को बताया गया होगा ऑनियन पील के बारे में। उसमें क्या होता है कि जो ऑनियन होता है, जो एक ऑनियन यानी एक जो प्याज होता है, उसका एक पतला सा लेयर, यानी एकदम पूरा पतला सा लेयर जो कि आपको दिखाई भी नहीं देता है, आप उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख पाते हैं। तो वो एक पतली सी लेयर होती है, वो फ्रेंड्स फीमेल के वेजाइना में होता है,
जो यहाँ पर पाया जाता है, जो फ्रीमेल का यूट्रस होता है जस्ट उसी के नीचे, इसको कवरिंग यानी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक होता है जिसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स उसको? हम लोग यहाँ पर हाइमेन बोलते हैं। बहुत ही पतली लेयर होती है फ्रेंड्स, एकदम वो आपको दिखेगी ही नहीं, ठीक है? ये बहुत ही पतली लेयर होती है, मैंने यहाँ पर थोड़ा मोटा बना दिया है। ये देखिए एक पतली सी लेयर, एक पतली सी लेयर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि लाइक ऑनियन पील की जो एक परत होती है उसी के जैसा यहाँ पर एक पतली सी लेयर होती है, ठीक है? तो हमारे जो इंडिया में है, इंडिया में मैं क्या कहूं कि पूरे विश्व में आखिर एक ये बहुत बड़ी मिथ है कि अगर जो भी फीमेल हो या फिर जो भी गर्ल हो, जो फीमेल हो, जो भी फीमेल हो, अगर उसने सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं किया है, सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं किया है तो उनका जो हाइमेन है, जो उनका जो हाइमेन है, ये वाला जो पतली सी झिल्ली सी जो है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि पतली सी लेयर होती है, जो भी फीमेल अगर वो अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में नहीं आए हैं उनका ये हाइमेन जो है वो ब्रेक नहीं करता है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं अभी क्या कह रहा हूं और उसके बाद मैं क्या कहूंगा इस बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि जो भी फीमेल अभी तक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में नहीं हुई है, यानी जो उनके पार्टनर है उनके साथ अभी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट उनका नहीं हुआ है किसी भी तरह से, तो उनका जो वेजाइना यानी जो हाइमेन है वो ब्रेक नहीं करता है, ठीक है? पॉइंट पकड़िएगा, मैंने कहा उनका हाइमन यहाँ ब्रेक नहीं करता है, ठीक है? अब इसका दूसरा बात क्या हुआ, इसका दूसरा बात ये हुआ कि यानी जो भी फीमेल यानी जो भी फीमेल हुई अगर उन्होंने सेक्सुअल कांटेक्ट किया है, सेक्सुअल कांटेक्ट अगर किया हुआ है तो उनका जो ये जो हाइमेन है वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है? उनका हाइमेन ये ब्रेक कर जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैंने कहा ये मिथ है, ठीक है? जिनका यहाँ हाइमेन ब्रेक नहीं करता है यानी अभी उनका सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं हुआ है, और जिनका ब्रेक कर गया है उनका सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी मिथ है फ्रेंड्स। अब हम लोग इसकी जो पीछे की जानकारी है हम लोग उसको बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है और इसमें क्या ट्रुथ है, हम लोग इसी में बात करने वाले, ठीक है? तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए एक बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए सबसे पहली बात, आप सभी जानते हैं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले उदाहरण दिया था कि लाइक ऑनियन पील यानी जो प्याज होते हैं उसके अंदर एक जो पतली सी लेयर होती है ऑनियन पील, आप जानते हो वो कितनी ही पतली होती है, ठीक है? तो उसी तरह जो हाइमेन है, ये जो फीमेल हाइमेन है ये भी बहुत ही ज्यादा पतली होती है, इसका जो लेयर होता है वो बहुत ज्यादा पतली होती है। अब यहाँ फ्रेंड्स होता क्या है, अब देखिए यहाँ में जो केस है वो थोड़ा पकड़िएगा। मींस मान के चलिए एक फीमेल है वो लगातार सीढ़ी से चढ़ती है उतरती है, ठीक है? चढ़ती है उतरती है, क्योंकि आपको भी पता है फ्रेंड्स आजकल फीमेल भी बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हैं। आपको भी पता है फ्रेंड्स ऐसे ऐसे बहुत जॉब है जो कि बहुत ही टफ होते हैं, जो जॉब ओनली फॉर पहले बॉयज के लिए थे वही सारा जॉब अब आजकल गर्ल्स भी करती हैं, यानी फीमेल भी करती हैं। प्लेन उड़ाने से लेकर साइकिल चलाने तक, हॉर्स राइडिंग तक, क्रिकेट तक, एवरीथिंग अब बॉयज एंड गर्ल्स, जो बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं इसमें दोनों में कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, दोनों बिल्कुल ही इक्वल है। अब जो काम पहले बॉयज करते थे और कहा जाता था कि गर्ल्स ये काम नहीं कर सकती है, ये बिल्कुल सिमिलैरिटी यहाँ पर ये आ गई है फ्रेंड्स कि जो काम बॉयज करते हैं वो काम गर्ल्स भी करती हैं। अगर बॉयज यहाँ पर साइकिलिंग करते हैं तो गर्ल्स भी यहाँ साइकिलिंग करती हैं, अगर बॉयज हॉर्स राइडिंग करते हैं तो गर्ल्स भी यहाँ पर हॉर्स राइडिंग करती हैं। एक्सेप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है फ्रेंड्स, देखिए अब गर्ल्स अगर हॉर्स राइडिंग करती हैं या फिर साइकिलिंग करती हैं या फिर हाई जंपिंग करती हैं या फिर सीढ़ी से उतार चढ़ाव करती हैं तो ऐसे में इस दौरान उनका जो हाइमेन है जो कि मैंने कहा आप लोगों को ऑनियन पील लाइक पतली सी जो लेयर होती है वो यहाँ पर ब्रेक कर जाती है, और हमारे इंडियन कल्चर में क्या मिथ है कि जो भी लड़की अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में नहीं आई है उनका ही हाइमेन ब्रेक नहीं होगा।
और जो भी लड़की अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में आई है उनका हाइमेन यहाँ ब्रेक हो जाएगा। बट फ्रेंड्स आप खुद ही देख लीजिए ना मैंने आपको क्या कहा, जो भी लड़की साइकिलिंग करती है, जो भी लड़की हॉर्स राइडिंग करती है, जो भी लड़की सीढ़ी से उतार चढ़ाव करती है, तो आप मुझे बताइए सर अगर उनका हाइमेन यहां ब्रेक होगा तो क्या आप उसको क्या समझेंगे। देखिए मैं पुरानी बातों से कहूं तो आप मुझे कहोगे सर क्या आप बकवास कह रहे हो, ये तो सर नॉर्मल है, ये तो जो भी पहले का जो पुराना रीति रिवाज है वो बिल्कुल सही है, आप गलत बोल रहे हो। चलिए मैं मानता हूं, जो भी मैं मानता हूं। देखिए सर पहले क्या होता था कि जो जो फीमेल थी और जो बॉयज थे उनके शादी जो होती थी, उनका जो वेडिंग होता था उसमें क्या होता था कि जो गर्ल्स होती थी ना उनका एज 12 to 13, ये तो फ्रेंड्स बहुत ही कॉमन रेयरली होता है, लगभग 12 जब साल के होते हैं वो या फिर 13 साल के जब वो होते हैं तो उनका यहाँ पे शादी हो जाता है, यानी उनका वेडिंग यहाँ पर हो जाता है। ठीक है तो आप मुझे बताइए जरा सर ये जो छोटी सी बच्ची है, ये तो कॉमन सी बात है फ्रेंड्स, ये कॉमन सी बात है कि 12 साल की एक छोटी सी बच्ची जिसका अभी हाइमन है। देखिए यहां पर एक मैं इंपॉर्टेंट बात और आपको भी एक बात जरूर समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर एक छोटी सी बच्ची का शादी कर दिया जाता है, अब आप मुझे बताइए वो छोटी सी बच्ची अभी जो 12 साल की है जिसका खेलने कूदने का उम्र है, वो बच्ची तो अब हॉर्स राइडिंग करेगी नहीं, वो बच्ची अभी साइकिलिंग तो करेगी नहीं, तो इनका हाइमेन जो है वो ब्रेक नहीं करता है, उनका हाइमेन यहाँ ब्रेक नहीं करता है। तो जब उनका शादी हो जाता है यानी उनका शादी हो जाता है तो उसके बाद अगर उनका सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है तो उनका हाइमेन ब्रेक होता है, तब जो दूसरे होते हैं वो सोचते हैं कि नहीं ये लड़की बिल्कुल सही है। सॉरी अगर मेरी बातों से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, बट मैं आप लोगों को सरल भाषा में समझाना चाहता हूं, बीच में कोई पर्दा मैंने बीच में कोई नहीं रखा है कि आप लोग इससे मत जानिए, जो भी इसमें होगा मैं उसको पूरा पूरा आप लोगों को क्लियर बताने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि एज अ फ्रेंड एज अ ब्रदर एंड सिस्टर आप लोग मेरी इस बातों को सुन रहे हो, अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो आप लोग मुझे भाई समझिए, मैं उसी तरह से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मिथ है हमारे इंडिया में, तो मैं उसी की बात यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए 12-13 साल की जो बच्ची है उनका यहाँ शादी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो थोड़ा कल्चर चेंज हुआ है, थोड़ा कल्चर यहाँ चेंज हुआ है क्योंकि नए रूल और रेगुलेशंस आ गए हैं, अब जो फीमेल है उनका जो वेडिंग है वो लगभग 18 साल से होना चाहिए, 18 साल यानी 18 age 18 19 20 21, तो ये तो फ्रेंड्स एक नॉर्मल एज हो गई कि 18 है, ठीक है। फिर भी हमारे देश में लगभग 20 21 22 23 24 25 26 27 साल तक भी लड़की का शादी यहां पर होता है। तो फ्रेंड्स उस दौरान कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो हो सकता है कोई जॉब में वो लोग काम करते हो सकता है उनका जो वर्क हो वो साइकिलिंग का है, हो सकता है उनका जो वर्क है वो हॉर्स राइडिंग का है, हो सकता है जो उनका वर्क हो वो लैडर से बार बार उनको ऊपर नीचे आना पड़ता हो, या फिर वो अपने घरों में कोई भी ऐसा काम करते हो जो थोड़ा हार्ड वर्किंग हो, ठीक है। तो ऐसे में उनका क्या होता है, जो हाइमेन होता है, ये जो पतली सी हाइमेन होती है फ्रेंड्स वो यहाँ ब्रेक कर जाता है, ठीक है, यहाँ पर हाइमेन ब्रेक कर जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, जब इनकी शादी होती है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, जब इनकी शादी होती है, जब इनका शादी हो जाता है तब क्या होता है, तब यहाँ पर क्या हो, जो हस्बैंड होते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, नॉर्मल बात मैं आप लोग से कहूंगा, कोई पर्दा मैं नहीं रखना चाहता आप लोग के सामने, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो यार, आप इतना समझ पाते हो, इतना सुन पाते हो, मैं यहाँ पर कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जब उनकी शादी होती है उनके हस्बैंड जब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट सॉरी जब ये फीमेल एंड मेल जब दोनों सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं तब क्या होता है, तब यहां से एक बात उठती है कि जो यहां पर फीमेल थी वो वर्जिन नहीं थी, जो फीमेल थी यहां पर वो वर्जिन नहीं थी। और फ्रेंड्स यही मिथ लेके इनको बहुत ज्यादा इनको ताना मारा जाता है कि लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है, फीमेल का कैरेक्टर सही नहीं है, उनका आचरण सही नहीं है। तो फ्रेंड्स आप मुझे थोड़ा बताइए जरा ये मुझे बताइए कि जो लड़की 21 22 23 24 साल की है उनका हाइमेन तो फ्रेंड्स यही सब जो उन्होंने साइकिलिंग किया हॉर्स राइडिंग किया अभी तो फ्रेंड्स लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़कियां अभी किसी से कम नहीं है, वो क्रिकेट में भी आ गए हैं, हॉकी में भी आ गए हैं, पढ़ने में भी आ गए हैं, प्लेन भी उड़ा सकती है, स्पेस भी जा सकती है, लड़कियां किसी से कम अभी बिल्कुल नहीं है।
फ्रेंड्स यहां पर उनकी जो वो होती है लेयर, हाइमेन वाली लेयर होती है, वो यहां ब्रेक कर जाती है, ठीक है। मगर यहां पर उनको क्या केस दिया जाता है, उनको कह दिया जाता है कि लड़की का कैरेक्टर जो है वो सही नहीं है। ऐसे बहुत सारे केस देखे जाते हैं, और कह दिया जाता है कि उनकी लड़की का जो है वो कैरेक्टर सही नहीं है, जो कि यहां पूरा पूरा गलत है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इसमें डिफरेंस नहीं है, क्या आप मुझे थोड़ा बताइए, क्या इसमें डिफरेंस नहीं है? एक लड़की 12-13 साल की थी, एक लड़की यहां पर 18 से लेकर 22 साल की है, तो इसमें डिफरेंस नहीं है क्या? इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें हार्ड वर्क ज्यादा होता है, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ ऐसे भी बात बताऊंगा जिससे आपको कुछ ऐसा फील होगा कि हाँ, ऐसे आखिर पुराने टाइम में ऐसे आखिर फैमिली मेंबर क्यों करते थे, ठीक है। चलिए मैं आपसे एक बात कहता हूं। देखिए, पहले क्या होता था कि घरों में पहले लड़कियों को कहा जाता था कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। आप लोग भी ये बात सुने होंगे कि पहले के टाइम में, यानी कुछ साल पहले, जो फैमिली मेंबर होते थे वो बच्चों को क्या कहते थे, जो फीमेल, जो गर्ल्स होती थी, छोटी छोटी बच्चियां होती थी, उनको क्या कहते थे कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, तुम नहीं खेलोगी, तुम साइकिलिंग नहीं करोगी, तुम ये काम नहीं करोगी, वो काम नहीं करोगी। मतलब कि जितने भी हार्ड वर्किंग वाले काम थे, जितने भी, उनको ये कहा जाता था कि तुम ये काम नहीं करोगी। उसके पीछे सीधा सीधा रीजन बस यही था मेरे भाई, सीधा सीधा रीजन बस यही था कि उनका हाइमन ब्रेक ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनको भी ये बात पता था। बट आप देखिए, मैं आपसे एक नॉर्मली एक बात कहता हूं, सपोज दैट कोई एक पर्सन है, अगर किसी एक पर्सन को सही बात कहता है ना, तो जब वो एक पर्सन से लेकर, जब इस पर्सन से लेकर इस पर्सन तक ये बात पहुंचती है ना, तो यहां से बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि यहां से वो बात सही पहुंचे, तो जब तक यहां पहुंचती है तब तक वो एक मिथ बन जाता है, ठीक है, तब तक वो यहां पर मिथ बन जाता है। तो वही यहां पर क्या होता है कि सबने यहां पर क्या मिथ बना लिया, कि जो भी लड़की का अगर हाइमेन है, जो भी लड़की का यहाँ हाइमेन है, वो यहां पर वर्जिन है, यानी इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, ये लड़की बहुत ही अच्छी है, यानी ये फीमेल जो है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अब क्या होता है, सेकेंड केस ले लेते हैं हम, ये यहां पर नन वर्जिन है। अब यहां पर क्या कहा जाएगा कि ये जो फीमेल है वो कैरेक्टर लेस है, ठीक है, कैरेक्टर लेस है, यानी इनका आचरण सही नहीं है। तो फ्रेंड्स इस केस में देखिए, ये बहुत ही गलत मिथ है, इस बातों को अपना माइंड से निकाल दीजिए। मैं 110% कहता हूं फ्रेंड्स, मैं 110 नहीं, छोड़िए, मैं 1000% कहता हूं कि जो भी लड़कियां इस एज में हैं उनका फ्रेंड्स ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि उनका हाइमेन अभी तक रहता हो। जो भी लड़कियां अभी 21 साल से हो या फिर 23-22 साल, 18 साल एज कंप्लीट होने के बाद, फ्रेंड्स ये मैं 1000% गारंटी कहता हूं आपको कि उनका हाइमेन ब्रेक हो जाता है, तो चलिए मैं सेकेंड केस आपको बताता हूं। ये तो मैंने एक पहली बात आपको कह दी, ये तो नॉर्मल आपने सुना होगा, साइकिलिंग, हॉर्स राइडिंग, ये तो आपने एक नॉर्मली बात सुना होगा। चलिए मैं यहां पर दूसरी बात आपसे एक और बात कहता हूं। देखिए, अब क्या होता है कि गर्ल्स में एक और प्रॉब्लम क्या होती है, उनको यहां होता है पीरियड्स, ठीक है, जिसको हम लोग मासिक धर्म भी कहते हैं, पीरियड्स, मेस्ट्रुअल साइकिल, हम लोग इसको एमसी भी कहते हैं, मेस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो यहां पर ये जो दो पॉइंट मैंने यहां पर रखा, पीरियड्स और मेस्ट्रुअल साइकिल, एक्चुअली में दोनों सेम ही है, ठीक है। तो एमसी यानी मेस्ट्रुअल साइकिल, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे समाज में एक ये भी पहले था कि लड़कियां यहां पर पैड यूज नहीं करेंगी, पैड जो होता है वो यूज नहीं करेगी। और मुझे एक और बात समझ नहीं आता यार, कि आखिर जो भी लड़कियां अगर ये कहती हैं कि हाँ मुझे पीरियड्स है, तो वो इतना आखिर झिझकती क्यों है, हमारे समाज में आखिर ऐसा उनके साथ क्यों बर्ताव किया जाता है? ये बहुत ही गलत है, क्योंकि आपकी भी बहन होगी, आपका भी घर में कोई फैमिली मेंबर होगा, ये बहुत ही गलत है। जो भी अपने माइंड में ये मिथ रखते हैं, जो भी लड़की ये सोचती है कि हाँ पीरियड्स है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ये है वो है, ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल लीजिए, इसमें शर्म लाज वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, ये शर्म लाज वाली बिल्कुल बात नहीं है। क्योंकि अगर उनका गर्ल्स जो है
अगर जो गर्ल्स हैं अगर उनको पीरियड्स आता है उन्हीं की वजह से हम लोग हैं, अगर वो नहीं होगा तो हम लोग नहीं होंगे, ये बात आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पहले अगर किसी भी लड़की का मजाक उड़ाने से पहले इस बात को लेकर आप लोग हजार बार नहीं करोड़ बार जरूर सोचोगे, ठीक है, इस बात को करोड़ बार सोचोगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक और चीज बात कर रहे थे, देखिए ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, कुछ गर्ल्स जो होते हैं वो पैड यूज करती हैं, क्या यूज करती हैं, पैड यूज करती हैं, ठीक है, जो भी पैड आता है इस टाइप का आता है, जो पैड देखिए मैं बनाता हूं यहाँ पे, सॉरी देखिए इस टाइप का जो पैड रहता है वो ये लोग वहां पे जो फीमेल है वो यूज करती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो ये पैड यूज करती हैं। बट कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ गर्ल जो हैं वो टेम्पन यूज करती हैं, क्या यूज करती हैं, टेम्पन, वो यूज करती है यहां पर फ्रेंड्स टेम्पन। अब आप मुझे बताइए उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिस्प्ले में भी आपको दिख रहा होगा और मैं भी यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए इस टाइप का उसका शेप होता है, उसका जो शेप होता है मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। तो देखिए ये हो गया फ्रेंड टेम्पन, ये क्या हो गया टेम्पन, ये हो गया फ्रेंड टेम्पन, सॉरी टेम्पन, ठीक है। तो ये जो टेम्पन है फ्रेंड्स, एक इनहेलर, आपने भी इनहेलर देखा होगा, तो वो इसकी तरह एक इनहेलर होता है जो कि यूज होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो इसका भी इस्तेमाल करती हैं, टेम्पन का भी इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो वैसे में क्या होता है, जो ये टेम्पन है वो वेजाइना में इंटर होता है, जो वेजाइना, जो फीमेल वेजाइना होता है उसमें वो एंटर करता है, एक सेकेंड देखिए यहां होता क्या है, देखिए यहां पर जो हाइमेन होता है ये आपका, ये जो फीमेल है वो हाइमेन हो गया, हाइमेन हो गया, यहां पर उनका हाइमेन हो गया, ठीक है, ये हाइमेन हो गया। तो जो टेम्पन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, टेम्पन यहां पर यूज किया जाता है, टेम्पन यहां पर यूज किया जाता है ब्लीडिंग रोकने के लिए, टेम्पन यहां पर यूज किया जाता है। उस दौरान क्या होता है फ्रेंड, जो ये टेम्पन होता है ना, इसका सरफेस आप देख रहे हो ना, उसका सरफेस इस टाइप का होता है, इसका जो सरफेस होता है इस टाइप का होता है, ठीक है। ये मैंने कहा ना इनहेलर, आपने इनहेलर देखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने इनहेलर देखा होगा, ठीक है, मैं बना देता हूं, देखिए जो इस टाइप का इनहेलर होता है, इस टाइप का जो इनहेलर होता है ये आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, इनहेलर, तो इस टाइप का वो टेम्पन रहता है वो यूज होता है, ठीक है, वो यूज होता है। तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड, जब ये टेम्पन इंटर करता है तो कभी ना कभी फ्रेंड्स ऐसा भी होता है कि जो हाइमेन है वो ब्रेक कर जाता है, इसके वजह से इसके लगते ही वो हाइमेन जो है वो ब्रेक कर जाता है, इसके लगते ही हाइमेन ब्रेक कर जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर कह दिया जाता है कि वो लड़की वर्जिन नहीं है, यानी वो फीमेल जो है वो वर्जिन नहीं है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये टेम्पन है उसकी वजह से ये हाइमन ब्रेक करता है। तो फ्रेंड्स ये जो आपके माइंड में ये मिथ है ना, देखिए जो हमारे समाज में जो अभी मिथ बना हुआ है ना ये बात को लेकर, कि जो भी लड़की अभी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में नहीं आई है उनका हाइमन रहेगा, जो भी लड़की अभी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आई है उनका हाइमन नहीं रहेगा, तो ये फ्रेंड्स देखिए अब जमाना चेंज हो गया है, अब गर्ल्स भी बॉयज की तुलना में ही सभी काम करते हैं, सभी कार्य करते हैं। तो ये जो है ना आपके माइंड में ये मिथ्स, उसको पहले क्लियर कर दीजिए, सबसे पहली आपको अपना माइंड से ये क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकोगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे समाज में मिथ है ना, इसको दूर भगाना है, इसको समाज से निकालना है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फ्रेंड्स कोई भी लड़की का आप पीरियड्स को लेकर, ये सब को लेकर आप प्लीज मजाक मत बनाया कीजिए, सबसे पहली बात इसका मजाक तो बिल्कुल मत बनाया कीजिए, उसको सीरियसली लीजिए, ये कोई प्रॉब्लम है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई कोई बीमारी नहीं है, इसमें शर्म आने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो गर्ल्स होते हैं उनको भी इस प्रकार की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए कि हाँ मुझे पीरियड्स है, वो घबराने लगती हैं। तो आखिर वो घबराती क्यों है, आपके बाहर का जो इन्वायरमेंट है,
जो बाहर का एनवायरमेंट है उनको देख के वो घबराती है, ठीक है। तो सोच बदलिए फ्रेंड्स, अपना सोच बदलिए ताकि आप अपने आप को चेंज करें। तो जो भी महिला है, जो भी फीमेल है, जो सोचती है कि पीरियड्स के दौरान उनको जो घबराहट होती है कि मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनके माइंड से ये मिथ कब निकलेगा? जब तक आप लोग अपना माइंड सेटअप चेंज नहीं करोगे, जब तक अपना आप लोग माइंड सेटअप चेंज नहीं करोगे, तब तक ये कभी उनका माइंड से भी मिथ नहीं हटने वाला है। इसलिए आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि अपना सोच बदलिए, तभी फीमेल जो है वो अपना सोच चेंज करेंगी। जो उनके मन में हेजिटेशन है, डर है कि हाँ मुझे पीरियड्स है, मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मैं बाहर कैसे काम करूंगी, तो सबसे पहले अपने माइंड से इस बात को निकालिए। और बॉयज एंड गर्ल्स जो भी है, अपने इन्वायरमेंट को इस हिसाब से रखिए ना कि कोई भी लड़की, कोई भी गर्ल इस बात को लेकर घबराहट के साथ ना बोले, ठीक है, घबराए ना। तो अपने आप को सोच चेंज करना है, सभी को सोच चेंज करना है। और आप लोग यार 2021 में हो, कहाँ आप लोग पीछे जी रहे हो यार, 2021 में हो तो सोच बदलिए ना सर, सोच बदलिए, ठीक है, सोच बदलिएगा तभी देश बदलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई। आई थिंक, मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया इस टॉपिक पे, ठीक है। तो मुझे लगता है वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, बट कोई बात नहीं, आप लोग के लिए, हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो चलिए, मेरा एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी लड़की ये वीडियो देख रही हैं तो प्लीज अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर करें। और जो भी अगर लड़की ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोला है वीडियो में तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने जो भी है वो प्रॉपरली समझाने का कोशिश किया। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोलने का कोशिश किया जो आपको हर्ट करे, ठीक है। मैंने यहां तक कोशिश की कि मैं प्रॉपर आप लोगों को समझा पाऊं। जो भी बातें होती है ना, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बातों को मैं पर्दा। तो फ्रेंड देखिए, जो भी मिथ था मैं वो अपने इस वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाह रहा था। मैंने, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को कुछ हर्ट करने का, तो जो भी मेरा इंटेंशन था मैंने आई थिंक वो क्लियर किया है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ये बात समझ आया होगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, और फ्रेंड जरूर शेयर कीजिएगा यार, बहुत मेहनत लगी, आप भी देखते हो मैं भी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एआर एजुकेशन हब के फैमिली मेंबर बन जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।